टच करके डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। कवर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे पास खड़ी है इंडियन मैन्युफैक्चरर बजाज की पल्सर N150 का लेटेस्ट वेरिएंट, जो कि 2024 में इसका सबसे बड़ा बदलाव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे और इस बाइक में और क्या कुछ नया मिला है आपको, वो हम सब बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके की से। तो वही पुराना एन सीरीज और पी सीरीज का जो इसका पल्सर है, वही सेम आपको इसका की मिलता है। एक ये और इसका, दोनों की इस तरह का है। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है और इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है। यह भी इंजन ऑफ है, इस कारण से शो हो रहा है। इंजन किल स्विच ऑन करेंगे सो यहाँ आपको एक वार्निंग दी रही है रिफ्यूल करने के लिए। सो यह नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ जो भी वार्निंग होती है आपको दिखाई देंगे। या फिर कॉल कनेक्टिविटी के दौरान, कॉल जब हम किसी का कॉल आएगा तो उसका नाम यहाँ शो करेगा इसी डिस्प्ले पे। सो यह बाइक अभी बिल्कुल नई है और जस्ट 2 किलोमीटर चली हुई है। सो इसके अंदर क्या सब फीचर दिए गए हैं वो आपको हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इससे पहले आपको एनालॉग विथ डिजिटल मिला करता था। और इसका यह स्विच जो है, यह बिल्कुल फ्रेश है, नया स्विच है, जिसमें हाई बीम लो बीम का यहाँ इसी में बटन दे दिया गया है। और ये पासिंग लाइट और यहाँ एक मोड दिया गया है। यदि आप डिस्प्ले को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको हाथ बढ़ाकर ऐसे करके प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप चलाते हुए भी यहाँ से प्रेस करके डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही यह सिंगल सीट वेरिएंट आती है पल्सर N150 में। सो इसके पहले वाले मॉडल में आपको सिंगल सीट के साथ फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती थी, लेकिन आप देखेंगे एक नया बदलाव, इसके पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और वही सेम अंडरबेली एग्जॉस्ट। सो आइए हम जानते हैं इसके डिस्प्ले में क्या सब फीचर दिया गया है, फिर आगे हम बात करेंगे। इसके लिए हम इस कवर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ये जो सेटिस्फैक्शन है ना, बिल्कुल ऑसम। सो इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ शो कर रहा है। फिर मोड को प्रेस करेंगे। सो ट्रिप ए जो है इसका, उसमें माइलेज कितना दे रही है वो आपको दिखा दे रहा है। ए फ्यूल एफिशिएंसी में आपको 59 का माइलेज शो कर रही है, बी में भी सेम है। और इसको यदि हम जीरो करना है तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। सो यह जो है जीरो हो जाया करेगा कुछ इस तरीके से, आप देखेंगे ट्रिप बी जीरो हो चुका है। तो नेक्स्ट इंटर वार्निंग में क्या दे रहा है, जैसे हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वार्निंग के बारे में हमें बताएगा। तो वार्निंग में दे रहा है रिफ्यूल करने के लिए। सो यहाँ फ्यूल के लिए आपको वार्निंग में मिल रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग में चलते हैं, इसके सेटिंग में क्या सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ इंटर सेटिंग, यहाँ इंटर दिया गया है ना, तो इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हम सेटिंग में इंटर कर पाएंगे। इंटर सेटिंग में ब्लूटूथ ऑन लिख रहा है और पल्सर जो बगल में 9392 है वो इसका लास्ट का 46 नंबर दिखा रहा है। तो यह कुछ इस तरह का है। इसमें आपको यहाँ गियर पोजिशन इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल वार्निंग दिया गया है और ये इसका RPM मीटर यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ रहा है। उसके अलावा जो किलोमीटर का डिस्टेंस है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साइड इंडिकेटर के लिए यहाँ पर लाइट दिया गया है, एक साइड दिया गया है ABS वार्निंग मॉल फंक्शन लाइट। और यहाँ आपको हाई बीम का इंडिकेटर दिया गया है। तो आइए हम इसका साउंड सुनाते हैं आपको। सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये थे इसके एग्जॉस्ट नोट का साउंड, जो मुझे काफ़ी पसंद है। इसका एग्जॉस्ट काफ़ी बोल्ड है
और हम बात करें तो इसके लेफ्ट साइड में जो है आपको नया स्विच दिया गया है, लेकिन राइट साइड में आप देखेंगे तो इसमें हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का किसी भी तरह का स्विच नहीं दिया गया है। जैसे ही आपको बाइक को ऑन करेंगे ना, तो दिन भर ये बाइक जो है इसका हेडलाइट जलती ही रहती है, सो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। और इसका DRL भी गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ही जलता है, तो ये भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। ये कुछ इस तरह का इसका DRL है, और हाई बीम लो बीम करते हैं तो ऐसा कुछ लाइट है जो आपको दिन में दिखेगा नहीं, लेकिन रात में काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है। इसके अगर हम हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में तो आपको LED बल्ब दिया गया है विथ प्रोजेक्टर। इसके DRL में भी LED दिया गया है, लेकिन इसका साइड इंडिकेटर जो है वो हैलोजन बल्ब के साथ आती है। और इसका टेल लैंप जो कि फुल्ली डिजिटल है, फुल्ली LED है। अगेन आपको इसमें साड़ी गार्ड दिया गया है और लेडीज फुट रेस्ट दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। और ये इसका साइड फुटपैक। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो क्लच है ना, वो कितना लाइट क्लच है, आप देखेंगे एक उंगली से आप इसको यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और हम बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और रियर साइड में आपको मोनोशॉक दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी बाइक गंदी हो गई है अभी मौसम को लेकर, वेदर थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस कारण से बाइक गंदी लग रही है, उसे इग्नोर कीजिएगा। ये इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया गया है, साथ ही इंजन कॉइल यहाँ दिखाया गया है स्पॉटी में। फ्रंट टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 90/90/17 का मिल जा रहा है, जो कि कुछ बदलाव नहीं किया गया है इसके अंदर। और रियर टायर की बात करें तो MRF की तरफ से टायर आ रही है, और इसका रियर टायर 120/80 का दिया गया है। रियर डिस्क ब्रेक, ओपन चैन सिस्टम, पैडल, ब्रेक पैडल, इसमें किक भी आती है। तो इसका 14 लीटर का फ्यूल टैंक, और ये सीट का जो पॉलिशिंग है, इसे हम पहले हटा देते हैं। आपको सिंगल सीट वेरिएंट है, यहाँ सीट को ऑन करने के लिए, सीट को ओपन करने के लिए यहाँ दिया गया है, इसको यहाँ से ऐसे आप हटा सकते हैं। एक साइड की बैटरी दी गई है, तो यह कुछ इस तरह का दिखता है इसका सिंगल सीट। यदि आपको स्प्लिट सीट चाहिए होगा तो आपको N160 ही लेना पड़ेगा। इसकी कुशनिंग तो ठीक है, लेकिन और बेटर हो सकती थी। तो आइए अब हम बाइक को राइड करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या अनुभव रहता है। जब भी ऑन करेंगे तो यहाँ लिखेगा लेट्स राइड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस बाइक को चलाकर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। World of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. 5 gear mein yeh bike hai meri, और ऑलमोस्ट हम इसको 80 पे चला रहे हैं। सो यह चीज़ है, इस बाइक का जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल पंच है, वो सही है। इसका मिड रेंज सबसे ज़्यादा अच्छा है। जब आप इसको 30 और 60-70 के बीच में चलाओगे ना, सो इसका जो मिड रेंज है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही इसको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यह हमको सबसे अच्छा लगा इस बाइक में। सो इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है काफ़ी सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके बिल्ड क्वालिटी में कहीं भी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो यही थी आज की वीडियो, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और इसके और भी वीडियो आने वाले हैं हमारे चैनल पे, इसके माइलेज के रिलेटेड, इसके टॉप स्पीड के रिलेटेड।
सो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।